हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मेनी वर्ड्स इन वेरियस मेथड्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RIMC, PHU, चैनिक स्कूल, लिट्री स्कूल, वनस्थली, डेफिनेटली वॉच माई वीडियो। तो आज फिर आप हम लोग कुछ वर्ड्स सीखेंगे। तो आज का फर्स्ट हम लोग का वर्ड है बच्चों प्रोसिक्यूट। वर्ड्स क्या है बच्चों? प्रोसिक्यूट। वर्ड्स क्या है? प्रोसेक्यूट। प्रोसेक्यूट मीन्स क्या होता है? मुकदमा करना। प्रोसेक्यूट मीन्स क्या होता है? मुकदमा करना। प्रोसेक्यूट मीन्स क्या होता है? मुकदमा करना। इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे हम लोग? क्यूट। इसमें क्या है? कीवर्ड क्यूट छुपा हुआ है। क्या है? प्रोसेक्यूट में बच्चों क्यूट छुपा हुआ है, क्यूट। तो इसे हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, क्यूट लोगों पे ज्यादा प्रोसिक्यूट होता है, ठीक है। क्यूट लोगों पे क्या होता है? मुकदमा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग जो जितने दिखने में अच्छे होते हैं वो उतने ही बुरे होते हैं। तो इसे हम लोग किसी को हर्ट करना नहीं है, हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। जो लोग क्यूट होते हैं वो पे बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूट होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो शुभ, इम्पीच, इंडिक्ट और कंप्लीन। नेक्स्ट है बच्चों एस्पेक्ट। वर्ड्स क्या है? एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? पहलू। एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? पहलू। एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? पहलू। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, ओके, सस्पेक्ट, एस्पेक्ट, सस्पेक्ट, एस्पेक्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है। तो अगर कोई एस्पेक्ट ना दिखे तो लोग सस्पेक्ट करने लगते हैं। अगर कोई एस्पेक्ट नहीं दिखेगा तो लोग क्या करेंगे? सस्पेक्ट करेंगे, दैट मीन संदेह करेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं, ह्यू, फीचर, अपीयरेंस, लुक। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों कोइंसिडेंस। वर्ड्स क्या है? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मींस क्या होता है? संयोग, ठीक है, संयोग, फॉर्चुनेटली, ठीक है, संयोग। तो इसे हम लोग कोइंसिडेंस में देखिए, क्वाइन। कोइंसिडेंस में क्या छुपा हुआ है? क्वाइन। कोइंसिडेंस में क्या छुपा हुआ है? क्वाइन। तो क्वाइन डेली डेली तो नहीं मिलेगा रोड पे, किसी को क्वाइन किसी दिन मिल गया, तो कोइंसिडेंस संयोग बस मिल गया, बाय चांस मिल गया कभी, तो ऐसा तो नहीं जो क्वाइन डेली डेली मिलेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, क्वाइन जो है वो कोइंसिडेंस मिलता है। क्वाइन कैसे मिलता है बच्चों? कोइंसिडेंस मिलता है, संयोग से मिलता है। तो इसका हो जाए चांस, फ्लू, लक। नेक्स्ट है बच्चों कंपोजर। कंपोजर मीन्स क्या होता है? धैर्य। कंपोजर मीन्स क्या होता है? धैर्य। तो यहाँ कंपोजर में बच्चों छुपा हुआ है पोज। कंपोजर में क्या छुपा हुआ है? पोज। देखते हैं लोग अगर अपना फोटो खिंचवाना है या वीडियो बनाना है, कुछ भी करना है, तो अपना पोज वो काफी लॉन्ग टर्म तक बना कर रखते हैं। जैसा जैसा बोला था ऐसे ऐसे पोज बनाइए, वैसे पोज बनाइए, जैसा पोज बोला था बनाने के लिए वैसे बनाकर वो लोग पेशेंस के साथ खड़े रहते हैं। तो पोज बनाने वाले लोगों में कंपोजर ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। जो लोग पोज करते हैं उनमें कंपोजर बहुत ज्यादा होता है। तो पोज करने के लिए आपने कंपोजर होना जरूरी है, दैट मींस धैर्य। तो क्या होगा? कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों बात करेंगे डेलिबरेट। डेलिबरेट मींस क्या होता है? जानबूझकर। डेलिबरेट मींस क्या होता है बच्चों? जानबूझकर, ठीक है। देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, डेली ब्रेक जानबूझकर, ठीक है। तो डेली ब्रेक मीन्स क्या होता है? जानबूझकर। तो इसका हो जाएगा इंटेंशनल और प्रीमेडिएटेड, ओके। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड वर्ड। चलिए अब हम देखते हैं वन वर्ड, ओके। तो वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? टेलीपैथी, ठीक है। तो
तो टेली जो है ये रूट वर्ड है डिस्टेंस का, बच्चों टेली किसका रूट वर्ड है? डिस्टेंस का। ओके, टेली इज रूट वर्ड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एंड पैथी, बच्चों पैथी जो है ये रूट वर्ड किसका है? फीलिंग का। तो टेलीपैथी, पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर्स, दूसरे की थॉट को आप पढ़ने की शक्ति है आपने। दैट मींस दूसरे की थॉट को आप कब पढ़ सकते हैं? जब आप उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं तभी तो उसके थॉट को पढ़िएगा। तो वही है टेलीपैथी। नेक्स्ट है बच्चों रेडिकल, वर्ड्स क्या है? रेडिकल, अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का पूर्ण समर्थन करता है उसे बोलते हैं रेडिकल, उसे उग्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों विंडिकेट, वर्ड्स क्या है? विंडिकेट, ठीक है। द टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज गिल्टी फॉर समथिंग, ठीक है। इसमें ये बताने की कोशिश करना जो कोई भी इंसान जो है वो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी फॉर समथिंग, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए दोषी नहीं है इसे तो उसे सही साबित करना, निर्दोष साबित करना विंडिकेट, ठीक है। विंडिकेट मीन्स किसी को सही ठहराना। नेक्स्ट है वर्ड बच्चों हॉर्टिकल्चर, वर्ड्स क्या है बच्चों? हॉर्टिकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मतलब साग सब्जी उपजा रहा है सब, ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्फेक्शनर, वर्ड्स क्या है? कॉन्फेक्शनर, ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कॉन्फेक्शनर, अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स सेल्स स्वीट्स, जो मिठाई बनाता है और बेचता है उसे बोलते हैं कॉन्फेक्शनर, हलवाई। नेक्स्ट है वर्ड बच्चों क्वीन क्वेनल, ठीक है। क्वीन क्वेनियल, क्वीन क्वेनियल, क्वीन क्वेनियल, एन इवेंट विच happens once in 5 years, जो 5 साल में होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्विनक्वेनियल। और जो साल में एक बार होते हैं एनुअल, साल में 2 बार हुआ बाइनियल, साल में 3 बार हुआ ट्राइनियल, सॉरी 3 साल, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, ठीक है, और ये 5 साल में एक बार। नेक्स्ट वर्ड बच्चों हॉस्टलर, वर्ड क्या है? हॉस्टलर, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, इंग्लिश का धर्मशाला, तो धर्मशाला या फिर पब्लिक प्लेस पे कोई हॉर्स रखा हुआ है उसका जो देखभाल करता है उसे बोलते हैं हॉस्टलर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड बच्चों रेपेशियस, वर्ड्स क्या है? रेपेशियस, रेपेशियस मीन्स क्या होता है? ग्रीडी फॉर मनी, ग्रीडी फॉर मनी, जो पैसे के लिए लालची होता है उसे क्या बोलते हैं? रेपेशियस। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है ग्रीडी फॉर फूड तो वोरेसियस, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? वोरेसियस, वोरेसियस मीन्स जो भोजन के लिए लालची हो। नेक्स्ट वर्ड बच्चों फ्लेक्सिबल, वर्ड्स क्या है? फ्लेक्सिबल, विच कैन बी इजली कार्व्ड विदाउट ब्रेकिंग, जिसे बिना तोड़े हुए फोल्ड कर सकते हो, दैट इज फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। नेक्स्ट बच्चों रीथ, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों की माला, उसे क्या बोलते हैं? रीथ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आइडियम्स एंड फ्रेज। अब हम लोग देखेंगे आइडियम्स एंड फ्रेज। आइडियम्स एंड फ्रेज में फर्स्ट वर्ड है बच्चों फॉल आउट, ठीक है। फॉल आउट मींस क्या होता है? टू क्वायरल, झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फेड ऑफ, वर्ड्स क्या है? फेड ऑफ मींस टू एनवाय, तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है फील ब्लू, फील ब्लू मींस ग्लूमी, उदास, धुंधला। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फील हिज पल्स, फील हिज पल्स मींस फाइंड हिज व्यू, किसी के विचारों को समझना।
नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फ्लाई इन टू अ रेज। फ्लाई कर रहा है इसमें रेज में, रेज में, रेज में क्या होता है गुस्सा। टू बी सॉरी टू बी कम एक्सट्रीमली एंग्री। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फॉलो हिज नोज। फॉलो हिज नोज मीन्स टू गो स्ट्रेट अहेड, मतलब सीधा आगे जाना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फुट द बिल। फुट द बिल मीन्स टू पे सम, टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए भुगतान करना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फॉर बेटर एंड वर्स, मतलब बेटर मीन्स अच्छा, वर्स मतलब खराब, मतलब खराब और अच्छे, हर एक स्थिति से गुजरा हो उसे क्या बोलेंगे, अंडर एनी सर्कमस्टेंस, हर एक परिस्थिति से गुजरना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। नेक्स्ट वर्ड है फुल ऑफ बीन्स, किससे भरा हुआ है तो बीन्स से, इनर्जेटिक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इनर्जेटिक। अब हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में क्या है बच्चों, आज का फर्स्ट वर्ड है गो फॉर। गो फॉर मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। इससे पहले हम लोग देखे थे गो एट। गो एट मीन्स क्या था, आक्रमण करना, और गो फॉर मीन्स क्या होता है बच्चों, आक्रमण करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द लायन ने गो फॉर यू इन द फॉरेस्ट, शेर जो है तुम पे हमला कर सकता है जंगल में। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों गो ऑन। गो ऑन मीन्स जारी रखना। गो ऑन मीन्स जारी रखना। वी वेंट ऑन प्लेइंग, हम लोगों ने खेलना जारी रखा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ग्रो अप। ग्रो अप मीन्स बड़ा होना। ग्रो अप मीन्स बड़ा होना। एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज ग्रोइंग अप वेरी फास्ट, वह काफी तेजी गति से बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हैंड ओवर। हैंड ओवर मीन्स सौंपना। आई हैंडेड ओवर यू माई बुक, मैं तुम्हें अपना बुक सौंप रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपना बुक सौंप दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मीन्स रुकना। होल्ड ऑन फॉर टू मिनट्स, दो मिनट के लिए रुको, ठीक है। फिर आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।